हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारिक शिक्षा क्लासेस में। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राजस्थान का क्षेत्रफल, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार और राज्य की जो स्थलीय सीमा है, अंतर्राज्य सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और भी हमने जो नवीनतम ज़िले हैं और जो राजस्थान में ज़िलों की आकृतियाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और संभाग हैं, ये हमने अब तक पढ़ लिए हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। आज हम पढ़ रहे हैं ज़िलों के प्राचीन नाम, मतलब राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। गंगानगर, रामनगर, हनुमानगढ़ का नाम प्राचीन भटनेर, जांगल प्रदेश का प्राचीन नाम बीकानेर, का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, जोधपुर का प्राचीन नाम मारवाड़, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड और बाड़मेर का प्राचीन नाम श्रीमाल, सिरोही का प्राचीन नाम आबुर्द प्रदेश, जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, उदयपुर का प्राचीन नाम मेवाड़, मेदपाट या प्रागपाट जिसे बोलते हैं, प्रागपाट। फिर चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम खिजराबाद, राजसमंद का प्राचीन नाम राजमंदिर, अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरु, जयपुर का प्राचीन नाम ढूंढाड़ और अलवर का प्राचीन नाम आलोर और धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी। इसके बाद करौली का प्राचीन नाम गोपालपाल, बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती, कोटा को पहले नंदाग्राम और भरतपुर को ब्रिजनगर और प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये सारे ज़िले जो हैं वो प्राचीन काल में इन नामों से जाने जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो संयुक्त ज़िलों के प्राचीन नाम, मतलब दो ज़िलों के जो प्राचीन नाम हैं वो किस प्रकार हैं। दो ज़िलों के प्राचीन नाम देखें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को संयुक्त रूप से योद्धे अथवा नाली प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बीकानेर, चूरू और नागौर, जोधपुर को थली के नाम से जाना जाता था, अजमेर, नागौर को कुबड़ पट्टी के नाम से, चूरू, झुंझुनू और सीकर को शेखावाटी अथवा बिंगड़ अथवा वागर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। झुंझुनू और सीकर को तोरावाटी कहते हैं, मतलब जो कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहते हैं, तो झुंझुनू और सीकर को तोरावाटी कहते हैं। अलवर, भरतपुर को मत्स्य प्रदेश कहते हैं, मतलब प्राचीन नाम इनके। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को सीवी नगर के नाम से जाना जाता था, डूंगरपुर, बांसवाड़ों को बांगड़ अथवा वागड़ के नाम से जाना जाता है, कोटा, बूंदी को हाड़ोती के नाम से जाना जाता था, जोधपुर और पाली को गुर्जरात्रा के नाम से, और भीलवाड़ा, जहाजपुर जो तहसील है भीलवाड़ा की, जहाजपुर उसे खेराड़ के नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। बिजोलिया अथवा भैंसरोड़गढ़ के मध्य का भाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था, और जालौर और सिरोही को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये संयुक्त ज़िलों के प्राचीन नाम हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो शहरों के उपनाम, मतलब जो राजस्थान में जो जो शहर हैं उनके उपनाम क्या क्या हैं। जैसे सांचौर को सत्यपुर, बयाना जो भरतपुर में उसे श्रीपंथ, झालरापाटन झालावाड़ में जिसे ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता था, विराटनगर जो जयपुर में है उसे बैराट के नाम से जाना जाता है, ओशियां जो जोधपुर में है उसे उपकेश नगर कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं जिलों के भौगोलिक उपनाम, जिलों के जो भौगोलिक उपनाम हैं वो क्या क्या हैं। तो गंगानगर को धान का कटोरा, अन्न भंडार या आंधियों का घर, तीन इसके उपनाम हैं। गंगानगर को धान का कटोरा, अन्न भंडार या आंधियों का नगर कहा जाता है, ठीक है। हनुमानगढ़ को सेम प्रदेश का घर कहते हैं, बीकानेर को ऊन का घर या राती घाटी का घर कहते हैं, नागौर को धातु नगरी और औजार नगरी, धातु नगरी अथवा औजार नगरी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर का जो उपनाम है वो रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी या मरु नगरी, या जिसमें किलों अथवा दुर्गों का शहर भी जोधपुर को कहा जाता है। जैसलमेर को सवर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान निकोबार जैसलमेर कहलाता है, गलियों का शहर जैसलमेर कहलाता है, झरोखा नगरी जैसलमेर कहलाता है, म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर को कहते हैं, हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहते हैं, और रेगिस्तान का गुलाब भी जैसलमेर को कहा जाता है।
फिर अजमेर, राजस्थान की कुंजी अजमेर कहलाता है। भारत का मक्का मदीना अजमेर को कहते हैं। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, चिश्ती की दरगाह, ठीक है। राजस्थान का हदिया भी अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का नाका भी अजमेर को कहते हैं। और राजमार्गों का चौराहा भी अजमेर कहलाता है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल राजस्थान के एकदम मध्य में, और कल हमने पढ़ा था एकदम त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला तो अजमेर। फिर जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। गुलाबी नगर या पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। रंगश्री द्वीप सी वी रमन, रंगश्री द्वीप जो जयपुर को कहा जाता है। रतन नगरी अथवा पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं। पूर्व का पेरिस फ्रेंड्स जयपुर को कहते हैं, और पूर्व का वेनिस किसे कहेंगे? उदयपुर को। पूर्व का वेनिस उदयपुर को, और पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को। सैलानियों अथवा पर्यटकों का घर कहते हैं। और राजस्थान का कश्मीर कहलाता है उदयपुर। जालौर को ग्रेनाइट सिटी, सुवर्ण नगरी जालौर, जबकि सवर्ण नगरी जैसलमेर। सुवर्ण नगरी जालौर और सवर्ण नगरी जैसलमेर। मसाला नगरी जालौर। राजस्थान का मैनचेस्टर अथवा बोस्टन भीलवाड़ा। सूती वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा। अबरख नगरी भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर बूंदी। छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। कोटा को शिक्षा नगरी। राजस्थान का नालंदा, राजस्थान का कानपुर। औद्योगिक नगरी कोटा, उद्यानों की नगरी कोटा, ये कोटा के उपनाम है। चलिए फिर आगे देखते हैं। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। धौलपुर, ग्रेफाइट सिटी धौलपुर, और ग्रेनाइट सिटी जालौर, और ग्रेफाइट सिटी धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और धौलपुर को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जबकि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है भरतपुर को। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर, क्यों? शराब उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में, शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है अलवर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर कहलाता है। और राजस्थान और कश्मीर की बात करें तो उदयपुर राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, और पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर कहलाता है वो अलवर कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर झालावाड़, राजस्थान का नागपुर झालावाड़ कहलाता है। अधिक संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का मेघालय कहते हैं। अधिक वर्षा होने के कारण, जो सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम और चेरापूंजी दोनों खासी की पहाड़ियों में कहाँ पे हैं? मेघालय के अंदर हैं। और इसी वजह से झालावाड़ को सर्वाधिक वर्षा होने के कारण राजस्थान का मेघालय कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड वर्षा क्षेत्र में राजस्थान का स्कॉटलैंड इसको कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। और शराब उत्पादन की दृष्टि से देखें तो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है। बांसवाड़ा को 100 दीपों का शहर कहते हैं। राजस्थान की चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहते हैं। डूंगरपुर को पहाड़ों अथवा पर्वतों की नगरी कहते हैं। और बारह को वराह नगरी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था जिलों के भौगोलिक उपनाम। अब आते हैं शहरों के, जो राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिनके उपनाम हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। चलो, गलताजी कहाँ पे है? जयपुर में है। उसे मंकी वैली या बंदर घाटी कहते हैं। गलताजी को मंकी वैली या बंदर घाटी कहते हैं। रावत भाटा चित्तौड़गढ़, इसको अणु नगरी या परमाणु नगरी कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। लूणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नवलगढ़ झुंझुनू में है जिसे शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं। बिसाऊ झुंझुनू में है जिसे शेखावाटी का हवेलियों का नगर कहते हैं। महेंद्र झुंझुनू में है जिसे शेखावाटी की सवर्ण नगरी कहते हैं। शेखावाटी की सवर्ण नगरी महेंद्र। और सवर्ण नगरी पूछे राजस्थान की सवर्ण नगरी तो जैसलमेर। शेखावाटी की सवर्ण नगरी पूछे तो महेंद्र, ठीक है। तारागढ़ अजमेर में है। राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। किराड़ू बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो अथवा जगत शिरोमणि मंदिर के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ठीक है। भंडदेवरा कहाँ पे है? बारा में है, जो राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो भंडदेवरा बारा, और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर।
सांचौर जो जालौर में राजस्थान का पंजाब कहलाता है, जसवंत थड़ा जोधपुर में जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, अबली मिणी का महल कहाँ पे, कोटा में, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल या दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अबली मिणी के महल को क्या कहते हैं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल या दक्षिणी राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। रेड नगर कहाँ पे, टोंक में, जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। बिछवाल बीकानेर को ऊन का ढेर कहते हैं। हल्दी घाटी जो राजसमंद में जिसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया है। दिवेर राजसमंद में जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। पुष्कर अजमेर में जिसे तीर्थराज या तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, पुष्कर को तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहते हैं। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, मचकुंड, मचकुंड कहाँ पे है, धौलपुर में, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा मचकुंड कहलाता है। तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं और तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा मचकुंड। देवयानी झील कहाँ पे है, सांभर, जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी झील को तीर्थों की नानी कहते हैं। झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। आलमजी घोरा जो बाड़मेर में है, आलमजी घोरा जो बाड़मेर में, उन्हें घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है आलमजी घोरा। ठीक है फिर फ्रेंड्स, फिर आगे चंदन नलकूप जो जैसलमेर में, से थार का घड़ा कहते हैं। रणकपुर जो पाली में है, उसे स्तंभों या खंभों का घर किसे कहते हैं, रणकपुर पाली को। माउंट आबू सिरोही में है, जिसे राजस्थान का श्रीनगर कहते हैं। राजस्थान का श्रीनगर माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का श्रीनगर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं राजस्थान का श्रीनगर के बाद। मातृकुंडा चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। जैसलमेर से थंडरबोल्ट सिटी या शुष्क सिटी, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर। और भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। डीग कहाँ पर, भरतपुर, जल महलों एवं फंवारों की नगरी कहलाता है डीग, भरतपुर। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा है जिलों के प्राचीन नाम, शहरों के उपनाम, संयुक्त जिलों के प्राचीन नाम, जिलों के भौगोलिक उपनाम और शहरों नगरों के भौगोलिक नाम। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के काफ़ी सारे ज्योग्राफी के, लगभग रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस की दृष्टि से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे यहां पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जय हिंद, जय भारत।